हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग मनीष फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज पॉडकास्ट, हाउ टू यूज पॉडकास्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ पॉडकास्ट, मतलब कि पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट के फायदे क्या हैं और आप पॉडकास्ट कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। सो गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वाले रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका बेनिफिट्स ये होगा, जब भी मैं कभी वीडियो डालूंगा तो आप वीडियो मिस नहीं करेंगे जो कि इंटरनेट से ही रिलेटेड होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉडकास्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले पॉडकास्ट वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूँ। पॉडकास्ट वर्ड का मीनिंग जो है वो आया है आईपॉड से, जैसे एप्पल का आईपॉड रहता है ना, उसी से पॉडकास्ट वर्ड आया। तो आईपॉड का आपको बताइए काम क्या है, ऑडियो सुनने के काम आता है, किसी भी चीज का ऑडियो सुनने का। तो पॉडकास्ट भी एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ पॉडकास्ट क्या होता है। पॉडकास्ट ये होता है जैसे किसी भी रेडियो स्टेशन की तरह आप यहाँ पर अपनी वॉइस, मतलब अपनी नहीं, किसी भी चीज की वॉइस सुन सकते हैं। मतलब सुनना मतलब कि नॉलेजेबल चीज है। ज्यादातर पॉडकास्ट इसीलिए यूज किया जाता है नॉलेजेबल चीज सुनने के लिए। एग्जाम्पल पॉडकास्ट देखिए, मान लीजिए मैं किसी बुक का पॉडकास्ट सुनना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसी बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, बट मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता कि मैं उसे पढ़ पाऊं। तो मैं मान लीजिए मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ कहीं, तो मैं उसे ईयरफोन में लगा के डायरेक्टली उसका पॉडकास्ट सुन सकता हूँ। तो देखिए पॉडकास्ट इस टाइप से होता है, आप समझ गए होंगे पॉडकास्ट क्या होता है। किसी भी चीज की वॉइस या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज की वॉइस जो होती है वो पॉडकास्ट होता है ना। अब पॉडकास्ट का बेनिफिट्स क्या है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आज के टाइम में अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है पॉडकास्ट, यूएसए में इतना पॉपुलर है पॉडकास्ट, वहां की बहुत मतलब 90% जनता यूज करती है पॉडकास्ट का। तो देखिए पॉडकास्ट का बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी मतलब जा रहे हैं या फिर आप कहीं भी घर पे बैठे हैं और आंख बंद करके आराम से किसी भी चीज का नॉलेज ले सकते हैं पॉडकास्ट के जरिए। तो यहां पर क्या होता है कि आपका समय बचता है, तो इसीलिए यूएसए के लोग इसे बहुत यूज करते हैं, बट इंडिया में अब ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो यहां पर इंडिया में 2020 तक 2020 तक ये पॉडकास्ट इतना पॉपुलर होने वाला है इंडिया में कि आप भी बोलेंगे क्योंकि भाई इतना पॉपुलर। तो आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं पॉडकास्ट और पॉडकास्ट के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताता हूं अलग टाइप से। अभी मैंने आपको मेन बेनिफिट्स बताए कि आपको कैसे फायदा हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप पॉडकास्ट से फायदा कैसे ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। यूट्यूब पे पॉडकास्ट शुरू करके आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे कि आप कोई भी एक पिक लगा दीजिए और अपना जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बोलिए। पॉडकास्ट धीरे धीरे वायरल हो रहा है, मतलब 2020 तक पॉडकास्ट इंडिया में भी बहुत पॉपुलर होने वाला है। सो आप चाहे तो या तो एंकर ऐप में आपको कुछ मोबाइल के लिए ऐप सजेस्ट कर देता हूं जहां पर आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऐप है एंकर ऐप, सेकंड ऐप है जो है खबरी ऐप। तो ये दो ऐसे ऐप हैं जहां पर आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐप बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं मतलब कि पॉडकास्ट के लिए। तो यहां से आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे चैनल्स देखे जो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर आप पॉडकास्ट इस टाइप से शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे और कुछ ये पॉडकास्ट के बारे में जानकारी थी। सो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे इसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।